द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट इज मेजर्ड बाई अ मीटर स्केल एंड is फाउंड टू बी टेन सेंटीमीटर हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर प्लेट का जो लेंथ है इसकी जो लंबाई है वह मीटर स्केल से मेज़र करी है और इसकी जो लंबाई आई है एल की जो वैल्यू आई है वो आई है टेन पॉइंट ज़ीरो सेंटीमीटर इट्स विर्थ इज मेजर्ड बाई वर्नियर कैलीपर जो उसकी चौड़ाई है जो उसकी विड़थ है वो हमने वर्नियर कैलीपर की हेल्प से मेजर करी है और ये वन पॉइंट जीरो जीरो सेंटीमीटर आई है देखो ये जो लेंथ है ना ये डेसिमल के आगे वन पॉइंट तक आई है इसका मतलब ये जो मेरा मीटर स्केल है इसका जो लीस्ट काउंट है वो जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर है और जो लीस्ट काउंट होता है वही हम लोग एरर में काउंट करते हैं इसी तरह से आ, जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है इसकी लेंथ वन सेंटीमीटर आई तो ये डेसिमल के आगे दो पॉइंट्स तक हैं तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो जीरो सेंटीमीटर तो ये जो लिस्ट काउंट होगा यही इसकी एरर हो जाएगी विड्थ में द लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर्स आर गिवन मैक्सिमम परमिसेबल एरर इन द एरिया तो एरिया के अंदर मैक्सिमम परमिसेबल एरर चाहिए मुझे तो so देखो सिंपली मुझे पता है कि जो एरिया होता है किसी भी रेक्टेंगल कर का वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है लेंथ इनटू विड्थ और मुझे सिर्फ एरर पूछी है तो अगर मैं इसका रिलेटिव एरर निकालता हूँ तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू लिख दूंगा मुझे क्या कैलकुलेट करना है डेल्टा ए कैलकुलेट करना है सो डेल्टा ए हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टू एरिया डेल्टा एल इज द एरर इन द लेंथ एरर इन द लेंथ जो होता, ना, होता है।, so, है, है ना वो लीस्ट काउंट होता है तो लीस्ट काउंट है वो जीरो पॉइंट वन है ना पॉइंट के आगे एक तो ये जीरो पॉइंट वन है और जो लेंथ है वो मेरे को दी हुई है टेन सो दिस इज टेन

ट सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर से कट कट गया और इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया पॉइंट वन का पॉइंट हटा नीचे तो हंड्रेड आ गया एंड पॉइंट जीरो वन का हटा तो भी हंड्रेड आ गया एंड इन टू टेन सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज टू अपॉन हंड्रेड इंटू टेन सेंटीमीटर स्क्वायर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया एंड जो मेरा आंसर आया वो आया जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द एरर दिस इज द एपसिल्यूट एरर इन एरिया ओके मैक्सिमम परमिसेबल एरर सो दिस इज जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये प्लस एंड माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकती है सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट